हेलो फ्रेंड्स, जब भी आप इंस्टाग्राम यूज करते होंगे तो यूज करते करते आपको इस तरह से एक ऑप्शन देखने को मिलता होगा ट्राई अगेन लेटर, और इसके नीचे कुछ इस तरह से आपको ऑप्शन देखने को मिलता होगा। ये ऑप्शन आने के बाद आप इंस्टाग्राम यूज नहीं कर पाते होंगे। बहुत सारे यूजर ये ऑप्शन आने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक तो नहीं हो गया, मेरा अकाउंट डिलीट तो नहीं हो गया, बहुत सारा डाउट यूजर को होने लगता है। लेकिन आज की इस वीडियो में ये सारे डाउट को क्लियर करने वाले हैं, और ये ऑप्शन आने का कारण क्या है, इसको कैसे हटाना है, पूरा डिटेल्स और विद प्रूफ के साथ आपको पूरा प्रोसेस बताने वाले। तो अब हम आपको बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्ट प्रोसेस बताते हैं। तो यहाँ पे हम अपने फोन में इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले ये बताते हैं कि ऑप्शन आता क्यों है। यहाँ पे बता दें कि ऑप्शन आने का पीछे तीन कारण है। सबसे पहला कि आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, यूज करते करते जब आप रील्स वाला ऑप्शन में जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद आप क्या करते हैं कि जितने भी रील्स देखते हैं उसको आप सिंपल सा लाइक करते चले जाते हैं। तो अगर आप ज्यादा रील्स को इस तरह से लाइक करेंगे लगातार, तब आपके अकाउंट में इस तरह का ऑप्शन है जो आ जाएगा। वैसे भी आपको सभी रील्स को लाइक करने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, तो इस बात को यहाँ पे समझना है। अब यहाँ पे दूसरा गलती बहुत सारे यूजर क्या करते हैं कि वो फेक फॉलोअर्स पाने के लिए या बोट फॉलोअर्स पाने के लिए वो सर्च बार में जाते हैं। वहाँ पे आने के बाद कोई वो बड़े क्रिएटर का नाम को सर्च कर लेते हैं, उसके बाद उनको फॉलो बैक में जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद जितना भी अकाउंट देखने को मिलता है ये सभी को वो फॉलो कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप इस तरह से बहुत सारे अकाउंट को फॉलो कर लेते हैं तो आपके इंस्टाग्राम में इस तरह का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दूसरा गलती इस तरह से भी आपको नहीं करना है, आपको बहुत सारे अकाउंट को कभी भी फॉलो नहीं करना है। अब यहाँ पे तीसरा रीजन जिसके वजह से ये ट्राई अगेन लेटर का ऑप्शन आता है, आपके अकाउंट किसी दूसरे फोन में लॉग इन रहता है, और अगले यूजर क्या करता है कि आपके अकाउंट को किसी थर्ड पार्टी ऐप में लॉग इन कर लेता है या आपके अकाउंट से मिसयूज करता है। तो उस सिचुएशन में आपके इंस्टाग्राम में इस तरह से ऑप्शन आ जाता है। ये ऑप्शन आने का रीजन आपको पता चल गया होगा। अब बताते हैं कि ऑप्शन को आपको हटाना कैसे है। तो सबसे पहला काम आपको अपने इंस्टाग्राम में क्या करना है कि अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको प्रोफाइल के ऊपर थ्री डॉट का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इंस्टाग्राम के न्यू अपडेट में इस तरह से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर अकाउंट सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे नीचे अकाउंट सेटिंग का जो ऑप्शन है इसके नीचे जो कुछ ऑप्शन देखने को मिल रहा है इसमें आपको सिंपल सा पासवर्ड एंड सेक्रेटरी वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही नीचे सेक्रेटरी चेक का ऑप्शन मिलेगा, इसी के नीचे यार यू आर लॉगेड इन का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल सा आपको ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आप अपने अकाउंट को फेसबुक से कनेक्ट किए हुए रहेंगे तो वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इंस्टाग्राम से काम है तो हम इंस्टाग्राम के यूजर नेम पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके इंस्टाग्राम जितने जगह पे लॉग इन रहेगा वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे मेरा अकाउंट तीन जगह पे लॉग इन है, मेरा एक दूसरे फोन में लॉग इन और एक कंप्यूटर में लॉग इन है, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और जिस फोन से अभी हम वीडियो बना रहे हैं वो यहाँ पे ऊपर लॉग इन है। तो यहाँ पे आपको देखना है आपके इंस्टाग्राम अकाउंट कितने फोन में लॉग इन है। अगर यहाँ पे आपको लगता है कि किसी दूसरे फोन का नाम यहाँ पे आ रहा है तो सिंपल सा आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपको लॉग आउट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक कर देना है। इससे अगले यूजर में से आपका अकाउंट आसानी से रिमूव हो जाएगा। तो आपको सबसे पहला काम ये कर लेना है, और इतना करने के बाद आपको यहाँ से आ जाना है बैक, और बैक आने के बाद आपको होम स्क्रीन पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद जो ये प्रॉब्लम है उसको आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है, और इतना करने के बाद अपने फोन को इस तरह से चेक करना है जो आपको डिस्प्ले पर देखने को मिलता होगा। जैसे आप इस तरह से करेंगे तो आपको रिपोर्ट प्रॉब्लम का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपल सा आपको रिपोर्ट प्रॉब्लम वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेस लेगा, प्रोसेस लेकर इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल सा नीचे जो दो ऑप्शन है इंक्लूड एंड कंटिन्यू और डोंट इंक्लूड एंड कंटिन्यू, सिंपल सा आपको ऊपर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है इंक्लूड एंड कंटिन्यू पे, और जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। और इतना करने के बाद यहाँ पे ऊपर जो अभी हम टाइप करने वाले हैं सेम आपको वही टाइप करना है, एक भी स्पेलिंग को मिस नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से टाइप कर देना, ये स्पेलिंग आपको डिस्प्ले पर देखने को मिलता होगा, याद करके अपने इंस्टाग्राम में टाइप कर देना। और इतना करने के बाद आपको ऊपर सेंड का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना। और क्लिक कर देने के बाद अब आपको इसी के साथ एक और काम क्या करना है कि आपको इंस्टाग्राम से बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद अपने फोन के स्क्रीन पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद इंस्टाग्राम का जो एप्लीकेशन रहेगा उस पर आपको टैप करके रखना है। जैसे आप टैप करके रखेंगे ऊपर आपको ऐप इन्फो का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस मिलेगा, सिंपल सा आपको नीचे स्टोरेज एंड चेस का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद सबसे पहले ये चेस वाला जो ऑप्शन है इसको क्लियर कर देना है, इंस्टाग्राम में चेस का कोई काम नहीं रहता है। और इतना करने के बाद आपको क्लियर स्टोरेज का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है, और क्लिक कर देने के बाद सिंपल सा आपको ये डिलीट वाला ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना। मेरा इंस्टाग्राम में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, तो हम यहाँ पे डिलीट पे क्लिक नहीं करेंगे। आपको यहाँ पे डिलीट करके आपको फिर से इंस्टाग्राम को ही ओपन करना है, और जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको फिर से अकाउंट लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल सा वही यूजर नेम और पासवर्ड को फिल करना है। फिल करने के बाद जैसे आप लॉगिन वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट आसानी से लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपके इंस्टाग्राम में इस तरह का प्रॉब्लम कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल पीआरपी टेक को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।